गुड मॉर्निंग स्टूडेंट इन स्टैंडर्ड थर्ड मैथ्स राइट वी ऑलरेडी कम्प्लीटेड आवर फुल कोर्स ऑफ चैप्टर नंबर 1 to 5 9, 10 and 16 राइट सो टोटल 8 चैप्टर आपको इस सेम में आने वाले हैं राइट सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ रिविजन ऑफ चैप्टर नंबर 1 राइट सो शैल वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 नंबर्स राइट इसमें हमने क्या सीखा था कि आपको जनरली 2 digit या 3 digit आते थे तो इसमें 3 और 4 digit आने वाले हैं राइट सो हम सबके एक एक लेते जाएंगे राइट सो कम्प्लीटली हो जाए चैप्टर नंबर 1 इस लेक्चर में सो लुक एट क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1 फर्स्ट दिस इज अ फिल इन द ब्लैंक्स राइट आपको एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स भी आने वाली है फिर मैं आपको एक वर्कशीट सेंड करने वाली हूँ राइट सो उसमें आपको पता चल जाएगा कि किसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में आने वाले हैं कौन से क्वेश्चंस राइट सो फर्स्ट वन इज अ फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट वन द लार्जेस्ट 2 digit नंबर इज दिस इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन द लार्जेस्ट 2 digit नंबर राइट सो लार्जेस्ट 2 digit इज अ 99 एंड कोई आपको पूछे कि स्मॉलेस्ट 2 digit तो आंसर आएगा 10, 10 राइट क्यों क्योंकि 9 है वो 1 digit है और 9 के बाद 10 आता है और वो 10 है वो 1 and 0 मतलब 2 होते हैं राइट तो वो स्मॉलेस्ट नंबर है और 99 इज़ द बिगेस्ट नंबर ऑफ द 2 digit नंबर और 99 आफ्टर क्या आता है 100, 100 मतलब 3 digit हुए तो वो 3 digit होते हैं वो द स्मॉलेस्ट 3 digit नंबर इज 100 होते हैं राइट सो ये दो चीज़ आपको प्रॉपरली याद रखनी है नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट द टेबल जिसमें आपको नंबर दिए होंगे उसमें नंबर नेम्स लिखना है अगर नंबर नेम्स दिया होगा तो आपको उसका नंबर लिखना है यहाँ पे 3 digit नंबर्स वाले हैं आपको पता है कि 3 digit आए मतलब उसमें 100 लगता है राइट तो फर्स्ट है 4, 5, 8 मैंने आपको याद रखा था कि फर्स्ट डिजिट के पीछे हम 100 लगाएंगे और लास्ट 2 digit एक साथ ले लेंगे तो फर्स्ट डिजिट 4 है तो 400 और 5, 8 मतलब 58 नेक्स्ट वन 271 सो 200 मतलब टोटल 3 digit आएगी सो 2 और 71 मतलब 71 नेक्स्ट 145 मतलब हम इसको रीड कैसे करेंगे 145 नेक्स्ट देखो 304 आपको यहाँ पे क्या होगा कि 300 एंड 4 है वो 1 digit है राइट तो 300 मतलब 3 और 4 मतलब 04 राइट यहाँ पे 4 मतलब 1 digit है इसलिए आगे हमें 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि ये 100 है मतलब 100 में 3 digit आते हैं नेक्स्ट 590 सो 590 हम कैसे लिखेंगे 5 और 9, 0 राइट सो दिस इज़ अ नंबर एंड नंबर नेम्स नेक्स्ट वन सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा इसमें मैंने आपको कैसे याद रखवाया था कि सबके फर्स्ट डिजिट आपको देखने हैं यहाँ पे 3 है यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 है तो छोटा डिजिट कौन सा हुआ 3 वाला सो 3 में हमने सर्कल किया नेक्स्ट यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है तो स्मॉल कौन सा हुआ 1 वाला राइट वैसे ही बाकी के 2 में यहाँ पे सी में देखो फर्स्ट डिजिट तीनों के 8 है राइट तो हम क्या करेंगे सेकंड डिजिट देखने जाएंगे यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है सो बट ऑब्वियस 3 इज़ द स्मॉलेस्ट डिजिट सो 835 इज़ द आंसर क्वेश्चन नंबर 4 सर्कल द लार्जेस्ट नंबर लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा नंबर सो सेम जैसे हमने इसमें देखा था वैसे बट इसमें हमने क्या देखना है कि सबसे बड़ा कौन सा है सो 8 यहाँ पे 9 और यहाँ पे 7 सो बिगेस्ट इज़ द 91 518 570 512 अब 5 5 तीनों में है तो सेकेंड डिजिट देखा तो सेकेंड भी तीनों में 1 1 है तो थर्ड डिजिट देखेंगे यहाँ पे 8 यहाँ पे 7 यहाँ पे 2 सो 8 इज़ द बिगेस्ट नंबर सो 518 इज़ द आंसर दो इज द क्वेश्चन नंबर 4 लार्जेस्ट नंबर नेक्स्ट वन वर्ड्स कम बिफोर बिफोर मतलब उसके पहले और आफ्टर मतलब उसके बाद सो 458 के पहले क्या आता है 457 एंड वर्ड कम जस्ट आफ्टर मतलब उसके बाद सो 789 आफ्टर क्या आएगा 790 एंड 200 आफ्टर 201
राइट इन द एक्सपांडेड फॉर्म, राइट। एक्सपांडेड फॉर्म मतलब आपको पता है कि मैंने 0 0 आपको याद रखवाया था, मतलब फर्स्ट डिजिट 3 है तो 3 के पीछे कितना डिजिट दिख रहे हैं, 2, तो आप लिखोगे 300। देन 4 है मतलब 40, एंड 7 है मतलब 7। 7 के पीछे कुछ नहीं है इसलिए 7 का 7। सो एक्सपांडेड फॉर्म मतलब हमें 0 0 याद रखना है कि जो डिजिट है उसके पीछे जितने हो उतने हमें डिजिट हो उतने 0 लगाने, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, दिस वन इज अ ग्रेटर, ग जैसी ग्रेटर साइन, एल जैसी लेस साइन और इक्वल तो आपको पता ही है, राइट। दोनों साइड देखना है 169 एंड 170, तो इन दोनों में बिग कौन है, 170, जो बड़ा हो वहाँ पे ये ओपन रखेगा और जो छोटा हो वहाँ पे क्लोज, 685 एंड 785, राइट। अगेन हम यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 6 है और यहाँ पे 7 है, तो बड़ा 7 हुआ, सो 7 वहाँ पे ओपन, ये इस साइन को क्या बोलते हैं, एल जैसे मतलब लेस देन। 199 मतलब दोनों में इक्वल है, राइट। सो नेक्स्ट वन इज द फिल इन द मिसिंग नंबर्स, आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंट फाइंड करना है, तो 38 में से आप 8 माइनस करोगे तो आपको 30 आएगा, तो आपको जो आंसर दिया उसमें 30 प्लस करना है तो आपको नेक्स्ट आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे भी 188 एंड 192, तो 192 में से 188 आप माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका बीच का डिफरेंट क्या है, 4 है, तो आपको लास्ट जो डिजिट दिया उसमें 4 प्लस करते जाएगा जाना है, तो आपको जो आंसर आएगा वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, एसेंडिंग, राइट। एसेंडिंग मतलब हमने क्या याद रखा था कि एंट याद रखा था, तो एंट कैसी होती है, छोटी होती है, तो हमें यहाँ पे छोटे से बड़े ऑर्डर में इसको करना है। तो फर्स्ट देखो 172, 385, 270 एंड 437, तो हमने फर्स्ट डिजिट तीनों के चारों के देखने हैं, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। सो 1 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, तो 1 वाला पहले लिखेंगे, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला एंड देन 4 वाला। सो असेंडिंग मतलब स्मॉलेस्ट, एंट याद रखी थी। नेक्स्ट वन इज़ अ डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मतलब हमने क्या याद रखा था, डायनासोर, राइट। सो डायनासोर इज़ अ बिग, तो हमें इसमें कौन सा नंबर पहले लेना है, बिग वाला, तो सेम वैसे ही देखेंगे कि फर्स्ट डिजिट हमें क्या दिया है, तो यहाँ पे 1, 6, 3 एंड 2, तो 6 1 इज़ द बिगेस्ट नंबर, देन 3 1, देन 2 वाला एंड देन 1 वाला, सो दिस इज़ द डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट वन अगेन द फिल इन द ब्लैंक्स, राइट। फिल इन द ब्लैंक्स भी हमें एग्जाम में आने वाली है। सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 572 इज 500, और हम कैसे लिखेंगे, 5 के पीछे 20 मतलब 500। नेक्स्ट द रिड्यूसर शॉर्ट फॉर्म ऑफ 800 प्लस 20 प्लस 7, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, तीनों का फर्स्ट डिजिट 8, 2 एंड 7। नेक्स्ट द नंबर दैट कम्स बिटवीन 728 एंड 730, तो इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आता है, 729। द नेक्स्ट वन इज जस्ट आफ्टर, मतलब 299 के बाद क्या आता है, 300। नेक्स्ट वन इज द एक्सपांडेड फॉर्म, वो तो आपको आता ही है। नेक्स्ट प्लेस वैल्यू ऑफ 0, आपको पता है कि 0 की प्लेस वैल्यू आप 0 भी लिख सकते हैं और टेंस भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, सबसे बड़ा 3 डिजिट में कौन सा नंबर आएगा, 999। क्यों, क्योंकि 999 के बाद 1000 आता है, तो 1000 है वो 4 डिजिट हो जाता है। सो थ्री डिजिट लार्जेस्ट नंबर इज 999। फिर हमने देखा था कि 4 डिजिट में हम कैसे रीड करेंगे, तो यहाँ पे 4 डिजिट आ गया, सो 41028, तो आपको याद है कि फर्स्ट डिजिट के पीछे हम 1000 लगाएंगे, हम सेकंड वाला देखेंगे 2130, फर्स्ट डिजिट के पीछे हम 1000 लगाएंगे, सेकंड डिजिट के पीछे हम 100 लगाएंगे और लास्ट 2 डिजिट हम 7 में लेंगे, सो 2000 देन 1 की टर्न 100 एंड 30 मतलब 30, राइट। तो ऐसे ही हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2 देखो, ये एबेकस थे, फर्स्ट वाला आपको पता है कि जितने बेट्स दिखे उतने हमें यहाँ पे लिखने थे। नेक्स्ट कंप्लीट द टेबल, राइट। आपको डायरेक्टली जिसमें नंबर नेम्स दिए उसका नंबर और नंबर दिया उसका नंबर नेम्स लिखना है, तो 6000 मतलब 6, यहाँ पे 1000 आए मतलब 4 डिजिट आएंगे।
200 मतलब 2 एंड 91 मतलब 91. सो दिस इज द आंसर 6 to 9. वॉ नेक्स्ट 7 4 5 8 मतलब 7 के पीछे 1000 मतलब 7000. 4 के पीछे 100 मतलब 400 एंड 5 8 मतलब 58 राइट. वैसे हमने ये कंप्लीट किया था. नेक्स्ट प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू. आपको पता है कि प्लेस वैल्यू मतलब क्या एंड फेस वैल्यू मीन्स कि जो जैसे है वही का वही. तो फर्स्ट देखो, इसमें आपको 7 की फाइंड करनी है तो 7 की फेस वैल्यू क्या होगी. हमारा फेस कभी चेंज नहीं होता तो उसकी भी चेंज नहीं होगी. देन प्लेस में क्या आएगा, हमें एबेकस में क्या होता है इसका प्लेस, ये कौन सा प्लेस है 100 का राइट. और प्लेस वैल्यू में 7 के पीछे कितने 0 लगाएंगे 2. नेक्स्ट देखो 8 की फेस वैल्यू 8, उसकी प्लेस कौन सी है 1s क्योंकि ये सबसे लास्ट वाला है और इसकी प्लेस वैल्यू भी 8 ही होगी. चलो 9 की फेस वैल्यू 9, उसका प्लेस क्या कौन सी जगह पे है, ये 1000 की जगह पे और प्लेस वैल्यू 9000. सेम 1000 में भी एक्सपांडेड फॉर्म है राइट. और जिसका एक्सपांडेड फॉर्म दिया है राइट, उसका शॉर्ट फॉर्म करना है. तो 6 के पीछे 30 प्लस 7 के पीछे 20 प्लस 8 के पीछे 10 एंड 5 का 5. और यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म करना है तो 4 देन यहाँ पे 2 देन 9 एंड 6. सो दिस इज द एक्सपांडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म. देन दिस इज द रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ फर्स्ट चैप्टर. फर्स्ट में आपको उसका नंबर नेम दिया है. सो 206 कैसे लिखते हैं हम 206 एंड 8848 कैसे लिखेंगे हम 8848. सेम 1947 को हम कैसे रीड करेंगे 1947 एंड 2495 को हम क्या रीड करेंगे 2495 राइट. सो दिस इज द चैप्टर नंबर 1 रिवीजन राइट. सो आई होप यू ऑल आर क्लियर. थैंक यू.